गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास स्टूडेंट, आप सभी का टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल के डिजिटल मंच पर स्वागत अभिनंदन है। मैं प्रियंका जैन, आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हमने पिछली क्लासेस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स सेवन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आज हम कौन सा चैप्टर रीड करेंगे? एट्थ वाला। एट चैप्टर कौन सा है आपका? आम की गुठली, एक प्रेरक प्रसंग है, ठीक है। चलो देखिए। एक था भाई, एक थी उसकी बहन। भाई का नाम रूपक था और बहन का नाम था शुभा। दोनों में बहुत प्यार था। इसमें क्या था? एक भाई और बहन थे, उसमें भाई का नाम दीपक था और बहन का नाम शुभा था। दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन पिताजी आम लाए। दिन क्या है? पिताजी आम लाए, बड़े बड़े आम, बहुत मीठे। सबने आम खाए, बड़ा मज़ा आया। गुठलियाँ प्लेट में रख दी, बहुत सारी गुठलियाँ थी वे, ठीक है। अब यहाँ एक दिन क्या हुआ, पिताजी जो है मार्केट से आम लेकर आए, बहुत बड़े बड़े आम थे और सबने बहुत मीठे थे और सबने उस आम को खाया और फिर जो गुठलियाँ थी उसको प्लेट में रख दिया, बहुत सारी गुठलियाँ थी। सुबह ने पूछा, इनका क्या करेंगे माँ? तो माँ ने कहा, कुछ नहीं, कूड़े में डाल दो। सुबह ने पूछा, इनका क्या करेंगे माँ? ठीक है, तो माँ ने कहा, कुछ नहीं, कूड़े में डाल दो उसे। माँ ने क्या जवाब दिया? कि इन्हें जो है कूड़े में डाल दो। रूपक बोला, क्या गुठलियाँ किसी काम नहीं आती हैं क्या? तो माँ बोली, आती तो है पर हमारे लिए बेकार है। माँ ने क्या कहा? कि ये गुठलियाँ काम तो आती है लेकिन हमारे लिए क्या है, ये बेकार है। फिर देखिए आगे, सुबह गुठलियों को फेंकने जा रही थी, पीछे से रूपक आया, उसने एक गुठली उठा ली। सुबह क्या है, सारी जो गुठलियाँ थी उनको फेंकने के लिए जा रही थी, उसके पीछे से क्या है, रूपक आया और उसमें से एक गुठली उसने उठा ली। सुबह ने पूछा, तुम गुठली का क्या करोगे? रूपक ने कहा, चलो इसे बो दे, इसका पेड़ बन जाएगा, इस पर खूब आम लगेंगे। दोनों बगीचे में गए और एक कोने में रूपक ने गड्ढा खोदा, सुबह ने उसमें गुठली रखकर मिट्टी से ढक दिया। अब क्या हुआ, सुबह ने कहा कि तो जब वो दीपक उससे गुठली जो लेके गया तो उसने कहा कि तुम इस गुठली का क्या करोगे? तो उसने कहा, इसे बो दूंगा, फिर है ना इससे क्या है, बहुत इसका पेड़ बन जाएगा, इस पर खूब आम लग जाएंगे। दोनों बगीचे में गए, फिर इसको रूपक ने गड्ढा खोदा और उस पर से क्या है, उसमें क्या किया, गुठली रखकर उसमें और उसे मिट्टी से ढक दिया। कुछ दिन बाद मिट्टी से अंकुर फूटा, दोनों बहुत खुश हुए। अंकुर यानी वो बीज जो है थोड़ा थोड़ा वो उसका अंकुर फूलने लगा। यहाँ पे देखो गड्ढा खोदा यहाँ पे उन्होंने, फिर यहाँ पे ये अंकुर उग रहा है। दोनों बहुत खुश हो गए, देखो यहाँ पे ये ना पौधे जितना ऐसा हो गया। सुबह ने कहा, कितना छोटा है, कोई इसे कुचल दे तो क्या होगा। रूपक कुछ ईंटें उठा रहा है, वो उसके चारों ओर ईंटों का ऊंचा घेरा बना दिया। अब सुबह ने कहा कि ये छोटा है, जो पौधा है वो छोटा है, कोई भी इसे कुचल कर जा सकता है, क्योंकि दिखेगा नहीं किसी को और वो किसी कोई भी कुचल कर इसको जा सकता है। इसलिए फिर रूपक ने क्या किया, रूपक ने जो ईंटें लेके आया उसके चारों तरफ क्या है ऊंचा घेरा बना दिया ताकि इसको कोई कुचल न सके। धीरे धीरे अंकुर से पौधा बना और पौधे से पेड़। रूपक और सुबह उसकी देख रेख करते, उसे खाद देते, पानी देते। अब जो रूपक और सुबह थे वो क्या है, वो पेड़ की जो अंकुर उसका पैदा हुआ था उससे क्या है पौधा बना उसके बाद में पेड़, क्योंकि वो लोग हमेशा खाद देते थे, उसकी देखभाल करते थे। रूपक का बारहवां जन्मदिन आया, बारहवां जन्मदिन, सब जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे थे। तभी सुबह भागती हुई आई। रूपक था उसका कौन सा जन्मदिन आया, बारहवां जन्मदिन, वो 12 साल का हो गया था। सब लोग उसके जन्मदिन की क्या है खुशियाँ मना रहे थे। इससे में क्या है, जो सुबह है वो भागते हुए आई। सुबह ने कहा, देखो हमारे पेड़ में फूल लगे हैं। रूपक था वो भागकर बगीचे में गया। सुबह सच कह रही थी, उसने माँ को दिखाया, पिताजी को दिखाया, दोस्तों को दिखाया, सब बहुत खुश हुए, आम के पेड़ पर फूल आ गए थे। अब जो उसने बीज बोया था, गुठली बोई थी, उससे क्या है अब पेड़ भी बन गया था, अब उसके ऊपर फूल भी आ गए थे।
सुबह ने कहा कि जो हमने जो फूल जो पेड़ बोया था उस पर क्या है, अब फूल आ गए। तो जो रूपक था वो बगीचे में उसको देखने गया कि सुबह सच कह रही है। सच में सुबह सच कह रही थी, उसने सबको दिखाया, माँ है, दोस्त है, पिताजी, सबको उसने दिखाया। बहुत सब जो सब लोग थे बहुत खुश हुए। लेकिन तभी सुबह रुठ गई, उसने कहा, पेड़ ने रूपक के जन्मदिन पर फूल उपहार में दिए, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मेरे जन्मदिन पर क्या होगा? उसे मैंने भी तो लगाया था, मैंने भी पानी दिया था, मैंने भी खाद दी थी। सुबह रोने लगी। अब क्या है, सुबह उसने देखा कि सुबह क्या है, रूठ गई। क्यों रूठ गई? क्योंकि उसने देखा कि जो रूपक का जन्मदिन था उसे तो क्या उपहार में मिले, उस पेड़ ने उसको क्या उपहार दिए, फूल उपहार में दिए। जब मेरा जन्मदिन आएगा तब मुझे क्या मिलेगा? वो ऐसे करके करके रोने लग गई। उसने कहा कि मैंने भी तो इसे लगाया था, मैंने भी इसको खाद पानी वगैरह सब दिया था, तो ये मेरे जन्मदिन पर मेरे को क्या उपहार देगा? ऐसा कहके वो क्या है, रोने लगी। पिताजी बोले, यह तुम दोनों को अच्छा मानता है, देखो रूपक के जन्मदिन पर उसमें फूल आए, तुम्हारे जन्मदिन तक इसके फल पक जाएंगे। अब पिताजी ने क्या कहा उसको चुप करवाते हुए, कहा ये तुम दोनों को क्या मानता है, अच्छा मानता है, तुम लोग इसके लिए अच्छे हो, इसलिए रूपक के बर्थडे पर इसने क्या किया है, फूल दिए, तो तुम्हारे बर्थडे पर इसमें क्या है, पक्के फल लग जाएंगे, इसके जो फल है वो पक जाएंगे। सुबह ने पूछा, क्या सचमुच ऐसा होगा माँ? अब सुबह ने अपनी माँ से पूछा, क्या सचमुच में ऐसा होगा कि मेरे बर्थडे पर इसके ऊपर फल पक जाएंगे क्या? फिर देखिए माँ कहती है, हाँ तुम्हारे जन्मदिन तक इसके फल पक जाएंगे, पहला पका आम तुम दोनों खाओगे। माँ ने कहा, माँ ने क्या कहा कि तुम्हारे जन्मदिन तक तो इसमें फल जो है वो पक फल जो है वो अवश्य पक जाएंगे, और तुम जो पहला पका आम होगा वो तुम दोनों ही खाओगे। सुबह ने आंसू पोंछे और हंसने लगी। सुबह जो रूठ गई थी उसने अपने रोने रोने लगी थी, वो उसने आंसू पोंछे फिर वो हंसने लगी। इस तरह आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। आपको एक बार ये चैप्टर रीड करना है, ठीक है? कल हम इसके क्वेश्चन आंसर पर करेंगे। ओके, थैंक यू।